हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के बारे में जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगी। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन, वेबसाइट और आपको सेटिंग भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल बनता है तो टेक्निक बनता है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट ट्रिक। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ट्रिक में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेंगे और इस वेबसाइट में दोस्तों आप अपने इंटरनेट स्पीड को चेक कर सकते हो, मतलब आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी ज़्यादा है वो आप चेक कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों, आप वाईफाई की भी स्पीड चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वेबसाइट में जाना है। तो दोस्तों, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रोम में जाके आपको दिखाता हूँ। आपको जाके सर्च करना है fast.com। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप इस वेबसाइट को रन करते हो तो आप देख सकते हो आपके सामने आपकी जो भी इंटरनेट स्पीड है वो शो की जाती है। और दोस्तों, जैसे काउंटिंग करना स्टॉप हो जाती है और आपको नीचे देख सकते हो आपके इंटरनेट की स्पीड के रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत यूजफुल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जरूर चेक करना। नेक्स्ट ट्रिक में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी और इस वेबसाइट आपको, मतलब आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए बहुत यूजफुल होगा। क्योंकि दोस्तों, हम ढेर सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उस एप्लीकेशन में हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहते हैं, ये वाली वेबसाइट आपको बहुत यूजफुल होगी। तो देखो, आपको जाना है क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद आपको सर्च करना है रैंडम पासवर्ड जनरेटर। जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड का लिंक देखने को मिलता है और आपको इंक्लूड सिंबल, नंबर्स, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर्स, साथ ही दोस्तों आपको सिमिलर लेटर्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको नीचे देख सकते हो आपको पासवर्ड जनरेट होकर आता है। तो दोस्तों, बहुत यूजफुल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जरूर चेक करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक एक सर्च सेटिंग है, मतलब एक सर्च की टिप्स है दोस्तों। मतलब आप जो भी सर्च करते हो और आपको उसी रिलेटेड आपको आर्टिकल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे को फेसबुक सर्च करना है और फेसबुक के रिलेटेड दोस्तों मेरे को विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने फेसबुक माइनस विकीपीडिया टाइप किया है। और आप अपने हिसाब से दूसरे भी आप आर्टिकल के नाम लिख सकते हो, मतलब आप विकीपीडिया चाहते हो या किसी और से आप चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे को फेसबुक ओनली हिस्ट्री ऑफ फेसबुक, फेसबुक मतलब विकीपीडिया में जितने भी फेसबुक के रिलेटेड आर्टिकल्स है वही देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको इस तरह सर्च करना चाहते हो तो आपको ऐसा बीच में माइनस का डालना है और जो भी आपका ट्रस्टेड वेबसाइट है उसको आपको नाम डालना होगा। आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। जैसे मैं फेसबुक माइनस कोरा दिखता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे को कोरा के रिलेटेड जितने भी फेसबुक के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत सर्च के एक यूजफुल ट्रिक्स है, तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट ट्रिक, तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक एक एप्लीकेशन है और ये वाला एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है क्वेश्चन एंड आंसर, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में ट्योंडा एप्लीकेशन नाम ऐसा है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आप देख सकते हो आपको यह स्टडी के रिलेटेड बहुत यूजफुल आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। इस एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम सर्च का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको फॉर्मूला कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, इसमें आप किसी भी फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक टाइप किया है, एक क्वेश्चन टाइप किया मैंने मैथ्स का, उसके आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन देखने को मिलता है और उसके रिलेटेड आपको ग्राफ का उसका आंसर क्या है और उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर क्या है वो भी आपको देखने को मिलता है। और आप इसमें स्टार्ट टू सॉल्व आप देख सकते हो यहाँ पर उसके जितने भी स्टेप है वो स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों, ये स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। तो नेक्स्ट वाले भी एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है कैश क्लीनर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आप किसी और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो कैश क्लीनर करके। तो दोस्तों, जैसे आप इसे डाउनलोड करते हो तो इसको आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो क्विक क्लीन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, कैश क्लीन आपको अपने फ़ोन का करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे कैश क्लीन ऐसे रख देते हैं और उसे आप क्लीन नहीं करते हो तो आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है। अगर आप स्टोरेज को कम करना चाहते हो तो आपको किसी कैश क्लीनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप एक एक ऐप्स में जाके कैश क्लीन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा समय जाएगा। और इसके लिए आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा कैश क्लीनर का। मुझे ये वाला एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा, इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे टूल्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, ये वाला एप्लीकेशन आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखते हैं सबसे लास्ट टिप्स। तो दोस्तों, लास्ट एक टिप है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को रॉन्ग तरह से अनइंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो पहले उस एप्लीकेशन में आपको ऐप इन्फो में जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको उसको क्लियर डेटा करना है। ये क्लियर डेटा करने के बाद उसको अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि दोस्तों ये राइट वे है किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना। अगर आप किसी एप्लीकेशन को क्लियर डेटा नहीं करते और उसको ऐसे अनइंस्टॉल करते हो तो दोस्तों आपकी जो उस एप्लीकेशन की जो डेटा होती है वो आपके फ़ोन स्टोरेज में ऐसे ही रहती है। इसके लिए दोस्तों, आप किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने से पहले उसके क्लियर डेटा करना होगा। इसके साथ दोस्तों, आप जो भी ऐप अनइंस्टॉल करते
उसके डेटा भी मतलब डिलीट हो जाते हैं। तो सो एक यूज़फुल टिप है, इस टिप को ज़रूर ट्राई करना।